नमस्कार बंधुओं, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ललितपुर लाइव टीवी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी। कस्बा महरौनी के नया सोजना रोड पर आज शाम लगभग 6:30 बजे नीलकंठेश्वर प्रेस के बाहर कुछ लोग बैठे थे और आपस में गपशप कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से महरौनी की तरफ से सोजना की ओर जाने वाली एक तेज रफ्तार ये वैगनार आई और सड़क छोड़कर पटरी पर जाकर सीधा दीवार से जाकर टकरा गई। इस दुर्घटना में बताया जा रहा है कि 3 लोग जो बैठे बातें कर रहे थे वह गंभीर रूप से घायल हैं। उनके पैर में संभवतः फ्रैक्चर बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि ये दीवार तोड़ती हुई अंदर नहीं गई, अन्यथा वहां पर और भी लोग थे, किसी की जान माल को भी नुकसान पहुंच सकता था। यहां के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा यह बताया जा रहा है कि इसके जो चालक वगैरह थे वो शराब के नशे में हैं और शराब के नशे में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के चलते ये हादसा हुआ है। गाड़ी भी बुरी तरह से डैमेज हुई है, आगे की तरफ से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, पीछे का शीशा भी गाड़ी का चकनाचूर हो गया है। हम इस समय मौजूद हैं घटना स्थल पर और ये गाड़ी बताई जा रही है वैगनार। जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये वो गाड़ी है जो यहाँ पर डली हुई है। ये नीलकंठेश्वर प्रेस नया सोजना रोड के घटना है और गाड़ी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बिल्कुल दीवाल से टकराई है। दीवाल भी क्षतिग्रस्त हुई है, दीवाल में दरारें आ गई हैं। की सूचना तत्काल डायल 100 पर दी गई और सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और अभी इस समय मामले की पड़ताल चल रही है और संबंधित जानकारी पुलिस कर्मी यहाँ पर ले रहे हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महरौनी से सहयोगी शैलेंद्र नायक के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। आपका योगेंद्र कुमार एडवोकेट। योगेंद्र जी, क्या घटना हो गई? घटना शराब के नशे में गाड़ी को चला रहे थे। हाँ। और दुकानदार भागीरथ यहाँ पर बैठे थे, बैठे थे। 4-5 लोग बैठे थे। वो घबरा के अंदर भागे। गाड़ी इतनी तेज थी कि बजरी पे चढ़ते हुए और दीवार के पिलर में घरी गाड़ी। दीवार पूरी क्रैक हो गई है और अगर वो लोग दीवार पिलर में ना गाड़ी घर के अगर उसमें दीवार में घल जाती तो वो लोग अंदर गाड़ी घुस जाती और वो लोग सभी लोग। तो ये किस तरफ से किस तरफ जा रही थी गाड़ी? महरौनी से गुड़ा की तरफ जा रही थी, सोजना साइड जा रही थी। हाँ, कितने देर की घटना है ये? ये अभी मुश्किल से 20 मिनट हुए हैं अभी। मतलब ये मान के चले 6:30 की घटना है। हाँ, ये आपका मकान है? जी जी। क्या नाम है आपका? दामोदर प्रसाद। क्या घटना हो गई है? ये हुआ कि यहाँ से गाड़ी से महरौनी से गुड़ा की तरफ जा रही थी। हाँ, हाँ। और एकाएक वो लोग पिए थे। और कितने लोग थे इसमें? हाँ, तो इसमें 3 लोग थे और तीनों लोग जो है पिए थे और एकाएक जो है उल्टी साइड रोंग आकर के वो यहाँ रैक के पास 5 लोग बैठे थे रैक पर और गाड़ी इतनी तेजी से घली कि अगर उसमें वहाँ लगती रैक में तो 5 लोग बैठे हुए थे, उसमें से 3 तो घायल हो गए हैं अभी। हाँ, कौन कौन हताहत हुआ है? ये वकील साहब का सुपुत्र जो है आलोक कुमार। हाँ, फ्रैक्चर हो गया। हाँ, ये उसको ज्यादा लगी है। सुजान हरवार उसको ज्यादा लगी है। हाँ, हाँ। दो लोगों को ज्यादा लगी है। कहाँ गए हैं वो लोग? ये दवाई के लिए गए हैं डॉक्टर कपूर के पास। उसने ये कहा है कि दोनों पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। फ्रैक्चर हो गया है। तो वो लोग कहाँ गए जो गाड़ी में सवार थे? वो एक तो एक दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गए हैं और दो लोग भाग गए। तो ये कितने बजे की घटना है? ये अभी 20 मिनट में पहले की लेनी 6:30 के आसपास की घटना है। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी, 100 नंबर डायल किया मैंने ही और पुलिस भी आ गई है। मौके पर है पुलिस सर। अच्छा अच्छा। तो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है? हाँ, गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। मकान के अगर पिलर में गाड़ी ना लगती तो गाड़ी जहाँ अंदर बहुत पहुँच जाती, ज्यादा नुकसान हो सकता है।